दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव होने के बाद यानी कि देश की सरकार बनने के बाद अब खासकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछने लगी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या होगा, कैसा होगा, कौन कहां जाएगा, कौन कहां आएगा, इस सब को लेकर के तमाम प्रकार के चर्चा, परिचर्चा, मंथन ये सब चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी आस्थाएं बदली, अपनी निष्ठाएं बदली, अपनी पार्टियां बदली। भले ही वो डिक्लेयर तो नहीं किया लेकिन इंटरनल कई लोगों ने बहुत कुछ किया। और उस चुनाव होने के बाद यानी कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों किरण चौधरी और श्रुति चौधरी यानी कि दोनों माँ बेटी कांग्रेस छोड़कर, जिन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने भिवानी में कांग्रेस कैंडिडेट का साथ नहीं दिया, बीजेपी कैंडिडेट का उन्होंने पर्दे के पीछे समर्थन और सहयोग किया, उन सब को लेकर के जिस प्रकार के कयास थे, चर्चाएं थी, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। और उसी का साइड इफेक्ट था कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई। अब देवेंद्र बबली जो जननायक जनता पार्टी के विधायक उन्हें हैं या थे, क्या कहूँ ये आप खुद जाने, या देवेंद्र बबली ही क्लियर कर सकते हैं। देवेंद्र बबली जननायक जनता पार्टी के टोहाना के विधायक चुने गए थे 2019 के चुनाव में। आज देवेंद्र बबली ने दो नेताओं पर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ रहा था, वेबसाइट पर चल रहा था, उसमें देवेंद्र बबली ने दो नेताओं पर ताना मारा है, तंज कसा है। और वो दो नेता कौन है? वो दो नेता हैं, एक तो दुष्यंत चौटाला, उनकी अपनी पार्टी के नेता, जननायक जनता पार्टी के नेता, विधायक दल के नेता तो आज भी दुष्यंत चौटाला ही हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे थे। जननायक जनता पार्टी और बीजेपी गठबंधन सरकार का जो गठबंधन था उसके अंदर जो दूसरे नंबर की पार्टी थी उसके मुखिया भी दुष्यंत चौटाला ही हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने तंज कसा है सुभाष बराला पर। सुभाष बराला टोहाना से ही विधायक तो हैं देवेंद्र बबली, और टोहाना से ही विधायक रहे थे सुभाष बराला, आजकल तो मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य। उन्होंने तंज कसा, एक तो सुभाष बराला पर कसा, सुभाष बराला पर तंज कसते हुए देवेंद्र बबली ने कहा है कि एक बार विधायक बनने से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता। सुभाष बराला एक बार विधायक बने हैं 2014 में, टोहाना विधानसभा सीट से विधायक बने थे। सुभाष बराला को 2019 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र बबली ने उस समय हरा दिया 50,000 से ज़्यादा वोटों से, 50,000 से ज़्यादा वोट से चुनावी शिकस्त दी देवेंद्र बबली ने सुभाष बराला को, जब सुभाष बराला सूबे की सरकार के वजीर थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत पावरफुल नेता थे, और उनको उन्होंने बहुत बड़े अंतर से चुनाव में हरा दिया, बड़ी शिकस्त दी। सुभाष बराला आजकल लोकसभा की जो हरियाणा की समिति थी, भाई 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा कैसे जिताई जाए, उसके जो कर्ता धर्ता थे, संयोजक थे, कई बोर्डों ट्रस्टों के चेयरमैन बनाया उनको मनोहर लाल जी ने 2019 का चुनाव हारने के बाद, और इसके साथ साथ उनके पास आजकल राज्यसभा का सदस्य भी उन्हीं को बनाया गया, यानी कि उनका ठीक ठाक अच्छा खासा हो रहा है। सुभाष बराला और देवेंद्र बबली की आपस में ठंती है वो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि देवेंद्र बबली ने ही सुभाष बराला को चुनाव में हराया 2019 में, और 2014 में देवेंद्र बबली सुभाष बराला से चुनाव में हार भी गए थे, उसका बदला उन्होंने खूब बाखूबी लिया जब उन्होंने बड़े अंतर से हरा दिया। और अब देवेंद्र बबली सुभाष बराला के लिए कहते हैं कि सुभाष बराला को ऐसे ही बड़ा नेता नहीं मान लिया जाना चाहिए, एक बार विधायक बन गए तो क्या हुआ, बड़े नेता थोड़ी हो गए उससे। ठीक बात है बिल्कुल उनकी। देवेंद्र बबली ने दूसरा तंज कसा है दुष्यंत चौटाला पर। दुष्यंत चौटाला पर तंज कसते हुए देवेंद्र बबली कहते हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला हिसाब से चलते, ठीक से चलते, अपनी पार्टी के विधायकों का ध्यान रखते, तो यूं आज अकेले थकेले अलग थलग नाक पड़े होते। जननायक जनता पार्टी में दोस्तों, जब से जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ और 2019 में जब 10 विधायक चुने गए, तो आप मान लें कि तभी से ही जननायक जनता पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहा है। जेजेपी किंग मेकर के रूप में उभरी थी और उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए मनोहर लाल को हरियाणा का किंग बनवा दिया, दूसरी बार समर्थन दिया जननायक जनता पार्टी ने। देवेंद्र बबली कह रहे हैं कि हमने ही दुष्यंत चौटाला को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना था, लेकिन नेता चुने जाते ही दुष्यंत की निगाहें बदल गई,
आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला की निगाहें बदल गई और उन्होंने पार्टी विधायकों को तवज्जो देना बंद कर दिया। देवेंद्र बबली एक दर्द और भी छलकाते हैं अपना। वो कहते हैं कि 4-5 मिनिस्ट्री देने की बात थी, 4-5 लोगों को मंत्री पद देने को तैयार थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने सब कुछ लेके अपने पास रख लिया, सारे मंत्रालय। दुष्यंत चौटाला के लिए देवेंद्र बबली एक बात और कहते हैं कि कई लोगों को एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन दुष्यंत चौटाला को केवल अपनी पड़ी थी। वैसे मैं आपको बताऊं तो दुष्यंत चौटाला के साथ में अनूप धानक भी मंत्री बने थे। देवेंद्र बबली का नंबर बाद में लगा। देवेंद्र बबली बाद में पंचायत विकास मंत्री बने, और जब देवेंद्र बबली पंचायत व विकास मंत्री बने, आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं तो उनका उस समय माना जाता था कि दुष्यंत चौटाला के साथ 36 का आंकड़ा था। दुष्यंत चौटाला की पार्टी से वजीर बने, वो उसी कोटे से वजीर तो बने, कैबिनेट मंत्री हुए, लेकिन जब वो प्रदेश के दौरे पर निकले तो अपनी पार्टी के नेताओं पर खूब निशाना कसा करते थे, खूब कसते थे निशाने, और खूब कहते थे कि भाई मनोहर लाल जी की खूब तारीफ करते थे। धीरे धीरे ऐसा चला कि देवेंद्र बबली, मैं नहीं कह रहा कि उनकी कार्यशैली कैसी थी कैसी नहीं थी, लेकिन खटके बहुत वो, खासकर सरपंचों को, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को, आंदोलन भी हुए, और ग्रामीण जनप्रतिनिधि तो आज भी कहते हैं कि वो देवेंद्र बबली के खिलाफ हैं। लेकिन देवेंद्र बबली जो कह रहे हैं, देवेंद्र बबली ये कह रहे हैं कि सुभाष बराला के बारे में एक तो उन्होंने कहा, और दूसरा वो कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के लिए कि दुष्यंत चौटाला ने अगर हिसाब से रहते, विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सारे विधायकों का ध्यान रखते, तो आज दुष्यंत चौटाला पावरफुल होते, उनके पास सारे विधायक होते, सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते। दुष्यंत चौटाला के बारे में वो बबली ये एक बात और भी कह रहे हैं। वो बबली कहते हैं कि जो 10 विधायक चुने गए थे JJP के, उनमें से अधिकांश विधायक ऐसे थे कि उन्होंने केवल सिंबल का इस्तेमाल किया, वोट तो उनकी अपनी थी। निशान सिंह, सरदार निशान सिंह जो जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी टोहाना हल्के से आते हैं, उन पर भी तंज कस रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र बबली कि निशान सिंह जैसे व्यक्तित्व को आगे किया, ये भी दुष्यंत चौटाला के लिए परेशानी का कारण बना। दुष्यंत चौटाला के बारे में और भी बहुत सारी बातें देवेंद्र बबली ने की। अब तीसरी बात यह आ जाती है दोस्तों कि देवेंद्र बबली ने इस लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा का समर्थन किया। खुद भी कह रहे हैं कि हमने कुमारी शैलजा का चुनाव में समर्थन किया, और जो लोग उनके पास आए, उन्होंने जो शैलजा के समर्थक थे उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने अपना समर्थन कुमारी शैलजा को दिया। कुमारी शैलजा टोहाना विधानसभा से ठीक ठाक अंतर से चुनाव जीती। और अब देवेंद्र बबली का अगला पड़ाव कौन सा होगा दोस्तों? उन्होंने दुष्यंत के बारे में भी बोल लिया और सुभाष बराला के बारे में भी बोल लिया। तय है कि ना तो जननायक जनता पार्टी और ना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का उन्होंने समर्थन किया था। लेकिन इतिहास खुद को दोहराया करता है दोस्तों। देवेंद्र बबली कभी अशोक तंवर के बहुत खासम खास क्लोज हुआ करते थे, और जो चुनाव हुआ 2019 का, उसके अंदर अशोक तंवर ने देवेंद्र बबली के लिए कांग्रेस की टिकट की सिफारिश भी की थी, लेकिन इस सिफारिश को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल दिया, उस सिफारिश को माना ही नहीं, और देवेंद्र बबली को टिकट नहीं लेने दिया, अपने चहेते को टिकट दिलवाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। अब इस समय उन्होंने कुमारी शैलजा को तो समर्थन किया है, लेकिन क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी तरफ सॉफ्ट रुख रखेंगे? क्या नरम रहेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो रुख होगा उनकी तरफ, खासकर देवेंद्र बबली की तरफ? और या क्या शैलजा उनके लिए प्रयास करेंगी? अब बड़ी बात यह है, क्योंकि चुनाव तो उनको लड़ना है, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे कोई अभी पता नहीं। जननायक जनता पार्टी और BJP का तो क्लियर हो रहा है, लेकिन क्या उनको कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी ये भी नहीं पता। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों, और सवाल आपके पास भी छोड़ रहा हूं, कि क्या देवेंद्र बबली को टोहाना से अब कांग्रेस का टिकट मिल सकता है? दूसरी बात, देवेंद्र बबली जो सुभाष बराला के बारे में कह रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो जो दुष्यंत चौटाला के बारे में कह रहे हैं क्या मानते हैं, वो कितनी सच्चाई उसमें हो सकती है? और तीसरी बात, सबसे प्रमुख जो बात है, सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या हरियाणा के अंदर जिन लोगों ने अपनी पार्टियों के साथ में, उसे भीतरघात कहें, दगा कहें, या पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों को समर्थन दिया था, उनका विधानसभा चुनाव में क्या नया रुख हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।